तो इनमें से आप बताना कि कौन सा आप लोग को अच्छा लगा, ये पिंक या ये ब्लू। मैं रोजा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। रोजा हो? हाय अस्सलाम वालेकुम। और स्कूल से हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, इसलिए आज गुड मॉर्निंग बोलती हूँ आप सभी को जो मुझे देखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी, वैसे तो हम जल्दी उठते हैं जब स्कूल जाना होता है, तो मैंने कहा मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। 2-3 दिन से मैं नहीं करी, पता नहीं शायद टाइम नहीं मिल रहा है। वैसे रोज़ा रमज़ान का और बच्चों की वजह से ना मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ, तो शायद इसलिए नहीं कर पाई ब्लॉगिंग। तो अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, जया फैजान स्कूल गए, ये नहीं गया बड़ा वाला क्योंकि इसके क्लास की आज छुट्टी है स्कूल की, और दोनों छोटे बच्चे मेरे गए साहिद पहुंचाने के लिए गए, इसलिए अभी कोई नहीं है। और आयशा भी स्कूल गई है, जैनब सो रही है, और मैं ना रात को दूध मंगाना भूल गई दुकान से, तो मुझे सीरी में मैं सो के उठी, मुझे दूध ही नहीं मिला चाय बनाने के लिए, तो मैं काली चाय बनाई। और मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द रहता है। और एक और बात, रोज़ा में ना हम सबको क्या है कि पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ना मेरे ऐसे हम सबके दरअसल ये खींचे खींचे से होते हैं, होंठ फटे फटे रहते हैं, और 2-3 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मुझे बाहर जाने से भी ना रोज़ा रह के डर लगता है। मैं जब मंडे को अभी वीडियो शूट नहीं करी थी, मैं 2 बार मार्केट गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैनब ने बोला था कि घर का कुछ सामान लेना है, तो मुझे लगा कि बाप रे, धूप भी था और गर्मी भी था, इतने चक्कर आ गए मेरे को। तो उस दिन जब मैं मार्केट गई थी तो जन्म ने ये 6 बोतल लेके दिया था, एक तो यहाँ पर पड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने लिए थे, यहाँ कचरा इकट्ठा है, अभी झाड़ू लगा नहीं, जैसे कि ये नींबू निचोड़ने वाला और ये आलू मेश करने वाला, और ये सारी बोतलें। और अभी घर का कुछ काम हुआ नहीं, तो भी किचन ऐसा है, बस 2-3 बर्तन ही बर्तन है। इधर जैनब सो रही है। तो गाइस, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हाँ, शायद आते हैं तो मैं देखती हूँ कितनी देर बाद आते हैं, और मैं भी मिलती हूँ थोड़ी देर। और स्कूल से मैं आ गया। फैजान क्या कर रहे हो? पानी भर रहे हो? तो अभी सुबह का 9 ही बचा है, फैजान वापस आ गया स्कूल से, क्योंकि बड़े बच्चों की पेपर है इसलिए आज कैंसिल हो गया, कल जाएगा है ना, तो मैं कल भी नहीं भेजूंगी क्योंकि फिर परसों की छुट्टी है। और आते ही अपना बोतल चेंज कर रहा है, पानी भर गया, ये देखो इतना सारा पानी, थोड़ा सा कम कर दो। कर ही तो रही हो, किसी का नहीं तो? मैं उसको 3 दिन चलाऊंगा और उसको भी। दोनों बोतल को 3 दिन चलाओगे? हाँ। चलो चेंज करो कपड़े वपड़े और सो जाना। तो यहाँ मैं अभी कर रही हूँ दाल गरम रात का, जो कि बच्चों को खाना देना है। और स्कूल से जो बच्चे आए हैं वो टिफिन विपिन है, थोड़ा सा बर्तन है धोने के लिए, और घर की हो गई है झाड़ू पोछा, यहाँ की भी, इधर की भी, इधर की भी। तो ये रही जोया। जोया हाय करो बेटा। हाय। स्कूल से आई हैं और अभी मैं दूंगी इन दोनों को खाना। और यहाँ देख रहे हैं ये लोग कार्टून, शायद है नहीं, हमजा भी बाहर गया है, और मैं रूम को लॉक कर देती हूँ क्योंकि इसमें कोई है नहीं अभी। तो अभी हमारा रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और बीच में मैं 2-3 दिन गैप दे दी इस बार वीडियो में, लेकिन पिछले वीडियो जो मैंने डाला था पायल और कृतिका मलिक का, वो तो थोड़ा ठीक ठाक ही चला काश कि वैसी सारी वीडियो चल जाए, पर नहीं, पर मुझे लगा था कॉपीराइट आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने अपनी वीडियो डाली है 3 जगह, इसलिए वो थोड़ी सी चल गई। तो मैं आपको कहती हूँ, जैसे उस वीडियो का आप लोगों ने देखा, जिसके भी थ्रू मेरी सारी वीडियो को देखें,
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है ज़रा भी। तो सबको तो जैसे कि पता ही है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान की अभी शॉपिंग वॉपिंग भी होएगी। वैसे तो अभी किसी की शॉपिंग नहीं हुई, सिर्फ मैंने मार्केट की शॉपिंग घर के लिए करी थी, तो वो तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। लेकिन ईद की शॉपिंग में से किसी की नहीं हुई आयशा के अलावा। आयशा का इसलिए कर लिया था क्योंकि जैनब ने बोला था कि मैं सारे बच्चों के कल शॉपिंग करती हूँ, पर मैंने बोला था कि नहीं सिर्फ आयशा का कर लो, तो बच्चों के शॉपिंग मैं खुद साथ में चल के जाके करूँगी इसलिए। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी क्या आए, कैसे आए, कौन से कपड़े आए, कुछ भी वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो फिलहाल तो हमारा रोज़ा चलता है, तो वैसे रोज़ा में हमारी हालत ऐसी हो जाती है सूखे सूखे से, दरअसल हमें पानी की कमी हो जाती है और कुछ नहीं। तो मैं पहले जो है फैज़ान को खाना दे देती हूँ, हमजा आके खाएगा, रोज़ा नहीं है क्योंकि स्कूल होता है, तो आज ऐसे स्कूल था नहीं। आयशा भी रोज़ा नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए। क्या फैज़ान रोज़ा हो तो सुबह इतना सारा वो पानी पूरी गोलगप्पा और ये सब कौन खाया, चाय कौन पिया बताओ। देखा ये कह रहे हैं ये रोज़ा है, आधा अधूरा रोज़ा, मैं हूँ रोज़ा मुझसे पूछो। तो ये जोया और ये फैज़ान का खाना है, यानी कि पीली दाल और चावल। तो जोया को पीली दाल यानी कि मसूर की दाल चावल से ज़्यादा अच्छा आज तक कुछ भी नहीं लगा खाने में, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू भी बहुत पसंद है ना जोया, लो खाना मिलाओ। और मेरे ये कुछ कपड़े हैं नमाज के लिए जो मैंने लिए हैं, ईद के नहीं हैं, ये भी मैं ईद की शॉपिंग जब होगी जब दिखाएंगे, पर हम अपनी तो दिखा दें। तो मैंने नमाज के लिए लिया है, जैसे कि ये देखो आस्तीन है तो मुझे इसके ऊपर बुरखा पहन के नमाज पढ़ना पड़ता है, पर गर्मी आ गई क्या करें। तो मैंने लिया है एक फ्रॉक, ये 18 इंच का लेंथ है और बिल्कुल नीचे भी गाउन टाइप का है, ये एकदम कॉटन का है, बिल्कुल हल्का, कोई काम नहीं है, कुछ बॉर्डर नहीं है ये देखो। तो ये इतना प्यारा लगता है बहुत ही। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था गर्मी का, तो मैंने ये ले लिया। और मैं अगर नज़दीक से दिखाऊं तो सिर्फ कमर पे थोड़ा सा हल्का काम है, बाकी मुझे ऐसे डिज़ाइन के कपड़े अच्छा लगता है, जैसे कि ये कमर में जो और नीचे की इसके साथ का पैंट ये है, ये और एक और मैंने लिया है, ये कॉटन का ही है, इसकी भी आस्तीन ऐसी है और काफी घेर है ये देखो, अगर ये भी कॉटन है। तीसरा मैंने ये लिया है, ये जैनब ने पसंद करा था और ये दोनों मैंने उनके पीछे पसंद कर लिया क्योंकि वो ऑफिस चली गई थी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मैं ऐसे ही डिज़ाइन के पहनती हूँ, ये पैंट प्लाजो और बॉर्डर है ये वाला, ये देखो। और इसके साथ का ये कमीज, ये गला है, ये आस्तीन है और ये कमीज है। तो इनमें से आप बताना कि कौन सा आप लोग को अच्छा लगा, मतलब ये पिंक या ये ब्लू। तो ये ब्लू वाला है ना, मैं ये अलविदा जुमा पे पहनूंगी, मेरा फेस कट रहा है। और ईद की शॉपिंग नेक्स्ट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये सारे जब मैं पहनूंगी तो दिख ही जाएगा, वैसे भी शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी जब दिख। तो मैं मेरे पहनने वाले कपड़े जो न्यू नहीं होते वो मैं यहाँ रखती हूँ ताकि नहाते समय मुझे फटाफट मिल जाए। लो पानी, गिराना नहीं पियो। तो मैं मेरा स्टैंड हटा लेती हूँ भैया, क्योंकि सारे बच्चे तोड़ देंगे इसे। तो दरअसल पिछली बार जब हमने शॉपिंग करा था, मैंने और जैनब ने ईद का, इतना हैवी हैवी ड्रेस ले लिया था कि एक बार पहनने के बाद वो आज तक ऐसे ही पड़ा है, वो इतना वेट है उसके में 4 से 5 किलो ज़्यादा ही होगा कुछ। तो
तो हम इस बार ना एकदम हल्का सिंपल कपड़े लेंगे जो कि नॉर्मल दिन में भी पहने जाए और पहन पहन के पुराना हो जाए, नहीं तो ईद के शादी के बकरीद के ऐसे हैवी हैवी ले लेगा ना, बेड में पड़ा है वो किसी काम नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा मैं इस बार भी बिल्कुल हल्का लूँगी। और हमारा नेक्स्ट यानी कि फोर्थ जुमा कल है, तो हमारा तो हर जुमा ही ईद होता है आप लोग को पता ही है, और कल फिर हम मतलब कि इफ्तार बनाएंगे ढंग से, क्योंकि जैनब होती नहीं है, शाहिद होते नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों लोग के साथ थोड़ा बहुत इफ्तार बना के कर लेती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ज़रूर प्रेस करना, और कमेंट करके बता देना नेक्स्ट ब्लॉग में। अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ है ना फैज़ान, फैज़ान, अल्लाह।